फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। बुली बाई ये ऐप काफी चर्चा में है या यूं कहें बदनाम है, क्योंकि यहाँ जानी मानी मुस्लिम महिलाओं पर बोली लगाने जैसा घिनौना काम होता है और अब धीरे धीरे इस पूरे मामले पर से पर्दा उठने लगा है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक तो खुद महिला ही है जो उत्तराखंड में रहती है, दूसरे हैं उस महिला का बेंगलुरु में रहने वाला साथी विशाल कुमार। बता दें कि विशाल कुमार 21 साल के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जिसे मुंबई पुलिस ने 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। तो ऐसा हो रहा है इनका इंजीनियरिंग का इस्तेमाल, जहां महिलाओं की डॉक्टर्ड फोटोज यूज करके नीलामी की जा रही है। साथ ही मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है 18 साल की श्वेता सिंह को। पुलिस के मुताबिक विशाल जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वो और वो महिला जो कि मुख्य आरोपी हैं, ये दोनों आपस में दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी दोस्त हैं। आपको बता दें ये जो प्राइम अक्यूज्ड महिला है, ये बुली बाई ऐप पर 3 अकाउंट चलाती थी। वहीं इसका साथी विशाल कुमार खालसा सुप्रीमिसिस्ट के नाम से एक अकाउंट चला रहा था। 31 दिसंबर को विशाल ने बाकी सारे अकाउंट्स को नकली सिख नामों पर रख दिया था। करीब 100 मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर अपलोड करने वाले बुली बाई पर बवाल मचा हुआ है। ये ऐप होस्टिंग प्लेटफॉर्म गिटहब पर लॉन्च की गई थी। आपको याद होगा करीब 6 महीने पहले यानी जुलाई 2021 में भी सुली डील्स नाम से एक ऐप आई थी, जिसमें बुली बाई की ही तरह महिलाओं की नीलामी की जा रही थी। अब की बार जब बुली बाई का मामला सामने आया तो कई महिलाओं ने शिकायत की कि उनकी छेड़छाड़ की गई तस्वीरें गिटहब होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बिक्री के लिए अपलोड की गई थी। आपको बता दें कि गिटहब एक होस्टिंग और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जो यूजर्स को ऐप बनाने और शेयर करने की परमिशन देता है। इसके लिए आपको सिर्फ ईमेल की जरूरत होती है और यहाँ आपको तरह तरह के ऐप्स मिलते हैं। पत्रकारों, सोशल एक्टिविस्ट, छात्रों और प्रसिद्ध हस्तियों सहित कई महिलाओं ने बुली बाई के खिलाफ शिकायत की और इसके डेवलपर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मुंबई और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा की गई जांच में पाया गया कि सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं को ऐप पर नीलामी के लिए डाला जाता था। दरअसल इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स किए जा रहे थे और उनकी फोटोग्राफ्स पर बोली लगाई जाती थी। बता दें कि जब कोई बुली बाई ऐप को खोलता है तो रैंडमली उसे मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें दिखती हैं। उनके खिलाफ यहां नफरत भरी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल गिटहब ने बुली बाई क्रिएटर को ब्लॉक किया हुआ है। वहीं इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री CERT-IN यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के माध्यम से इस पूरे बुली बाई केस को मॉनिटर कर रही है। ये इमरजेंसी रिस्पांस टीम गिटहब, ट्विटर, दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस से लगातार संपर्क कर रही है। वहीं मामले में इन्वेस्टिगेशन तेज करने के लिए मिनिस्ट्री गिटहब के लोकल कोऑर्डिनेटर्स या ऑफिशियल्स को भी अब समन कर सकती है। साथ ही अप्रोच कर सकती है माइक्रोसॉफ्ट को, जो कि गिटहब को ओन करता है। वहीं ट्विटर से भी बात की जा रही है। आपको याद दिला दें गिटहब पहले भी सरकार के निशाने पर रह चुका है, जब इल्जाम लगे थे कि उनके प्लेटफॉर्म पर एक वेबसाइट एंटी इंडिया प्रोपोगंडा चला रही है। इसकी वजह से करीब 15 दिनों के लिए गिटहब को बैन भी किया गया था। अभी आगे देखने वाली बात होगी कि इस मामले के तार और कहां कहां और किससे जुड़ते हैं। सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।